गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 5 इन सिविक्स, पंचायती राज। सो लेट स्टार्ट अवर चैप्टर। ये चैप्टर एक सीन से स्टार्ट हो रहा है, आपको एक सीन दिख रहा होगा, है ना। ये सीन है हरदास विलेज का, जिसमें क्या है, ये आपको दिख रहे हैं हरदास विलेज के विलेजर्स है, ये वहाँ पे रहने वाले लोग हैं। और ये जो आपको 5 मेंबर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5, जिसमें 4 मेल हैं और एक फीमेल है, ये क्या है, जिला पंचायत के न्यू लीडर हैं। अब देखते हैं कि इस विलेज में क्या हो रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। इट्स अ स्पेशल डे टुडे, एवरीवन्स रशिंग टू गेट दी ग्राम सभा। आज क्या है, हरदास विलेज में एक बहुत ज़्यादा स्पेशल डे है। अब वो स्पेशल डे क्यों है आज, बिकॉज द ग्राम सभा इज़ होल्डिंग इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द इलेक्शन ऑफ द न्यू ग्राम पंचायत। क्योंकि आज क्या है, वहाँ पे फर्स्ट मीटिंग हो रही है, इलेक्शन के बाद फर्स्ट मीटिंग हो रही है, पंचायत के थ्रू ग्राम सभा की मीटिंग हो रही है। द पीपल ऑफ हरदास विलेज आर कीन टू फाइंड आउट वॉट देयर न्यू पंचायत लीडर्स हैव प्लान फॉर द विलेज। अब जो पीपल्स हैं हरदास विलेज के, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हैं ये जानने के लिए कि जो न्यू लीडर्स हैं, जिनको उन्होंने इलेक्ट किया है बाय वोटिंग के थ्रू इलेक्ट किया है, उन लीडर्स ने, न्यू लीडर्स ने उनके विलेज के लिए कौन कौन से न्यू प्लान्स को फॉर्म किया है। अब ये सब जानने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि ग्राम सभा क्या होती है, व्हाट इज़ ग्राम सभा। तो ग्राम सभा एक पंचायत एरिया के अंडर में रहने वाले जो पीपल्स होते हैं, उनकी सभा होती है, जिसमें क्या होता है, 18 ईयर या उससे ज़्यादा एज के जो लोग, जिनके पास राइट टू वोट है या जिनका वोटर लिस्ट में नेम शाम इंक्लूड होता है, वो क्या होते हैं, ग्राम सभा के मेंबर होते हैं। नाउ एवरी विलेज पंचायत इज़ डिवाइडेड इंटू वार्ड्स। अब जितनी भी विलेज पंचायत है, वो वार्ड्स में डिवाइडेड होती हैं। ईच वार्ड इलेक्ट्स अ रिप्रेजेंटेटिव हु इज़ नोन एज द वार्ड मेंबर। मैं वार्ड मेंबर अंडरलाइन कर रही हूँ, आप भी मेरे साथ इसको अंडरलाइन कीजिए। जो वार्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, वार्ड मेंबर या पंच। ऑल द मेंबर्स ऑफ द ग्राम सभा ऑल्सो इलेक्ट अ सरपंच। अब ग्राम सभा के जितने मेंबर्स होते हैं, यानी कि जो वोट वोट करते हैं, वो एक जो पंचायत है उसके प्रेसिडेंट को भी चूज करते हैं, जिसको क्या कहते हैं, सरपंच। इसको अंडरलाइन करो, सरपंच मीन प्रधान। द वार्ड पंच एंड द वार्ड पंच एंड द सरपंच फॉर्म द ग्राम पंचायत। और जो वार्ड मेंबर्स होते हैं और सरपंच यानी कि प्रधान, ये क्या बनाते हैं, ये किसको फॉर्म करते हैं, ग्राम पंचायत को। अंडरलाइन करो आप भी। द ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर 5 ईयर। जो ग्राम पंचायत होती है, उसका इलेक्शन हर 5 ईयर के बाद होता है। आफ्टर 5 ईयर क्या होते हैं, इलेक्शन होते हैं और न्यू लीडर्स को चूज करते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स। दी ग्राम पंचायत हैज़ अ सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को अंडरलाइन करूँ, ग्राम पंचायत में एक सेक्रेटरी भी होता है, हु इज़ ऑल्सो द सेक्रेटरी ऑफ द ग्राम सभा। ये ग्राम सभा के सेक्रेटरी होते हैं। दिस पर्सन इज नॉट एन इलेक्टेड पर्सन बट इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। अब ये जो सेक्रेटरी होते हैं, ये क्या होते हैं, इनका इलेक्शन नहीं होता है, जबकि ये क्या होते हैं, गवर्नमेंट के थ्रू क्या होते हैं, अपॉइंट होते हैं। दी सेक्रेटरी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉलिंग द मीटिंग ऑफ द ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत एंड कीपिंग अ रिकॉर्ड ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अब इनका वर्क क्या होता है कि ग्राम सभा और ग्राम पंचायत की मीटिंग को अरेंज करना, उस मीटिंग में जो भी डिसीजंस हुए हैं उनकी, उनको जितने जो भी डिसीजन हुए उनको रिकॉर्ड रखना। सो अब देखते हैं कि जो हरदास विलेज है, उसमें जो मीटिंग हुई है, उसमें कौन कौन सी बातें हुई हैं। अब देखो, ये हम दोबारा इसी सीन पे आ गए हैं वापस। इसमें क्या हो रहा है, ग्राम सभा मीटिंग बिगेंस विद द पंचायत। अब ग्राम सभा की मीटिंग स्टार्ट हो रही है पंचायत के साथ। हु इज ऑल्सो कॉल्ड द सरपंच, जिसमें सरपंच जी भी हैं, एंड द मेंबर्स ऑफ द पंचायत, जिसमें मेंबर्स भी हैं पंचायत के, यानी कि वार्ड मेंबर्स हैं। द पंच प्रेजेंटिंग अ प्लान ऑन रिपेयरिंग द रोड दैट कनेक्ट्स द विलेज टू द मेन हाईवे। अब देखो, उन्होंने विलेजेस के सामने एक प्लान रखा है, वो प्लान क्या है, रोड की रिपेयरिंग का है, ठीक है। वो रोड क्या है, जो हरदास विलेज है उसको मेन हाईवे से क्या करेगी, कनेक्ट करेगी। आफ्टर दिस ही डिस्कशन मूव्स टू द सब्जेक्ट ऑफ वाटर एंड वाटर शॉर्टेज। अब रोड की रिपेयरिंग के बाद वहाँ पे दूसरा कौन सा सब्जेक्ट था, वाटर और वाटर की शॉर्टेज का। तो अब देखते हैं कि जो हरदास विलेज था, उसमें वाटर शॉर्टेज की कैसी प्रॉब्लम थी, और वहाँ के जो मेंबर्स से, ग्राम सभा के मेंबर और जो लीडर से, सरपंच और वार्ड
उन्होंने क्या डिसीजन लिया या उनके बीच में कौन कौन क्या क्या डिस्कशन हुए। अब विलेजर कॉल टीजिया, एक विलेजर है, एक लड़की है, टीजिया उसका नेम है, बिगिंस दी मीटिंग बाय सेइंग। अब उसने सबसे पहले कहना स्टार्ट किया, उसने क्या बताया, द वाटर प्रॉब्लम इन हरदास हैज़ बिकम वेरी एक्यूट। वो बता रही है कि जो वाटर की जो प्रॉब्लम है हरदास विलेज में, वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होती जा रही है डे बाय डे। एक्यूट मीन इंक्रीज। द हैंडपम्प वाटर हैज़ गॉन वेल बिलो द पॉइंट अप टू विच द ग्राउंड हैज़ बीन ड्रिल। वो बता रही है कि जो हैंडपम्प्स का जो वाटर है, उसका जो लेवल है ग्राउंड, जो अंडरग्राउंड जो वाटर है, उसका लेवल धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। वी हार्डली गेट एनी वाटर इन द टैप्स, टैप्स में वाटर नहीं आ रहा है। वुमेन हैव टू गो टू दी सुरु रिवर विच इज 3 किलोमीटर अवे टू गेट वाटर। जो वहाँ की वुमेन्स हैं, जितनी भी वहाँ की फीमेल्स हैं, वो क्या कर रही हैं, हरदास विलेज से 3 किलोमीटर दूर एक सुरु रिवर है, वो क्या कर रही है, वहाँ से वाटर फेच करके लेकर आ रही है। वन ऑफ द मेंबर सजेस्ट पाइपिंग वाटर फ्रॉम दी सुरु एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक इन द विलेज टू इंक्रीज द सप्लाई। तभी एक मेंबर है, उसने सजेशन दिया कि हमें क्या करना चाहिए, वाटर की जो शॉर्टेज है उसको कम करने के लिए सुरु रिवर से क्या कर देना चाहिए, एक वाटर पाइप कनेक्ट कर देना चाहिए विलेज में, और विलेज में एक बड़ा सा टैंक होगा जो क्या करेगा, सुरु रिवर से जो वाटर, जो सुरु रिवर है वहाँ से क्या किया जाएगा, जो पाइप के थ्रू जो वाटर आएगा वो उस टैंक में फिल किया जाएगा, जिससे जो जिससे क्या है, वाटर की सप्लाई की जा सकती है। नाउ बट द अदर थिंग दैट दिस विल बी एक्सपेंसिव। लेकिन और मेंबर्स से उनको लगा कि ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, क्योंकि एक टैंक भी बनाना पड़ेगा विलेज में, और जो पाइप है वाटर पाइप उसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा, जो 3 किलोमीटर लंबा जो पाइप है उसको भी कनेक्ट करना पड़ेगा, तो इसलिए ये क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगा। इट्स बेटर दे फील टू डिपन दी हैंडपम्प्स एंड क्लीन द वेल्स फॉर दिस सीजन। किसी ने कहा कि हमें क्या करना चाहिए, इस सीजन, इस ईयर क्या कर लेते हैं, हम हैंडपम्प्स को और ज़्यादा डीपन कर लेते हैं, और ज़्यादा गहरे कर लेते हैं, और वेल्स की, कुओं की सफाई कर लेते हैं। टीजिया से दिस इज़ नॉट इनफ। लेकिन जो टीजिया थी उसने क्या बोला, ये सिर्फ, ये इनफ है, ये मतलब ये काफ़ी नहीं है, ये तो सिर्फ क्या है, टेम्पोररी सोल्यूशन है, हमें क्या करना चाहिए, कुछ परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए, किसको लेके, वाटर की जो शॉर्टेज है उसको लेके हमें क्या करना चाहिए, कोई परमानेंट सोल्यूशन फाइंड आउट करना चाहिए। नाउ नाउ एक अब एक अनदर मेंबर्स था अनवर, देन टेल्स एवरीवन दैट ही वाज सीन वेज ऑफ कंजर्विंग वाटर एंड रिचार्जिंग रिफिलिंग इट इन अ विलेज इन महाराष्ट्र वेयर ही हैड वंस गॉन टू विजिट हिज ब्रदर। अब उसी जो असेंबली में, यानी कि उसी ग्राम सभा में एक मेंबर था अनवर, उसने बताया कि वो एक बार अपने ब्रदर के पास गया महाराष्ट्र में विजिट के लिए, घूमने के लिए गया, तो वहाँ पे उसने वाटर को कंजर्व करने का एक मेथड देखा। इट वॉज कॉल्ड वाटरशेड डेवलपमेंट। स्टूडेंट्स अंडरलाइन इट, वाटरशेड डेवलपमेंट, कर लिया आप लोगों ने अंडरलाइन, ठीक है आगे बढ़ते हैं। जो अनवर था उसने बताया कि महाराष्ट्र में उसने वाटर को कंजर्व करने का एक मेथड देखा, जिसको क्या कहा, वाटरशेड डेवलपमेंट, एंड ही हैड हियर दैट दी गवर्नमेंट गिव मनी फॉर दिस वर्क। और उसने सुना कि इसमें गवर्नमेंट क्या करती है, मनी की हेल्प करती है इस वर्क को। अब मैं बताती हूँ आपको वाटरशेड डेवलपमेंट क्या है। वाटरशेड डेवलपमेंट में क्या किया जाता है, बहुत सारे प्लांट, जो ट्रीज हैं उनको प्लांटेड किया जाता है, अंडरलाइन करो, ट्रीज को प्लांट किया जाता है, और बहुत सारे चेक डैम्स और टैंक्स बनाए जाते हैं। अब जब हर ईयर क्या होती है, रेन होती है, तो जो रेन वाटर होता है उसको क्या किया जाता है, बड़े बड़े टैंक्स में या डैम्स में उनमें प्रिजर्व करके या कंजर्व करके रखा जाता है। अब बाय उसके बाद क्या होता है, क्योंकि जो रेन वाटर होता है वो क्लीन नहीं होता है, उसको क्या किया जाता है, फिल्ट्रेशन के थ्रू क्लीन किया जाता है, जिससे वो कैसा वाटर बन जाता है, ड्रिंकेबल वाटर बन जाता है। इससे जो, इससे क्या हुआ, महाराष्ट्र की जो वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी वो खत्म हुई, किसके थ्रू, वाटरशेड डेवलपमेंट के थ्रू। तो जो अनवर का जो सोल्यूशन था वो विलेजर्स को काफ़ी अच्छा लगा, क्योंकि वो क्या था, एक परमानेंट सोल्यूशन था। तो इस पे जो ग्राम सभा है, उन सब ने, ग्राम सभा के जितने मेंबर्स थे उन्होंने एग्री किया, और वो इस प्लान को अपने विलेज में लाने के लिए क्या हो गए, रेडी हो गए। सो स्टूडेंट दैट्स ऑल फॉर टुडे। आज हमने क्या पढ़ा, ग्राम सभा के बारे में पढ़ा। इन नेक्स्ट क्लास वी विल डिस्कस अबाउट ग्राम पंचायत एंड द डिफरेंस इन बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। आई होप यू लाइक दिस वीडियो लेक्चर। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज यू कैन आस्क मी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।